दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में निरूपित कीजिए और निरूपित करके a, b और c के मान क्या है। तो आप इसे इस रूप में लिख लो, इसकी तुलना कर लो किससे, पहले तो आप इसे ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखो और उसके बाद abc के मान ज्ञात करो। आगे देखिए सातवां सवाल इसी का, उसने कहा y माइनस दो बराबर, और हमें किस रूप में लिखना है इसे, ax प्लस by प्लस c। और हमने क्या बताया था कि दुनिया की कोई भी संख्या में कुछ भी जोड़ना हो तो क्या जोड़ते हैं, जीरो। तो इसमें x तो है नहीं, तो जीरो जोड़ लो। और जीरो को किसी से भी गुणा करो, तो हम यहाँ दो से भी गुणा कर सकते हैं, आप कहोगे x से क्यों करा है, वो इसलिए करा है क्योंकि हमें ax प्लस by प्लस c के रूप में से। अब ये आ गया किस रूप में, ax प्लस by प्लस c के रूप में आ गया। पहले x का पद, फिर y का पद, फिर z का, ठीक है। मान लो यहाँ पे x जीरो होता, x होता y जीरो होता, y होता ही, तो मैं जीरो y लिखता, अचर पद नहीं होता, x और y होते का केवल, तो मैं प्लस अचर पद c लिखते, तो मतलब जीरो जीरो लिख के छोड़ देता उसको। तुलना कर लीजिए इसकी, a का मान कितना है, जीरो, b का मान माइनस, कोई दिक्कत इसमें, आठवां देखो, पांच बराबर दो है, पहले x लिखना है हमें, फिर y लिखना है, फिर अचर पद, तो ऐसा करो जब भी हमारे पास दो पद पूरे पूरे बराबर हो तो पूरे पूरे समीकरण का LHS पूरे समीकरण के आर एच से आप बदल सकते, बदल दो पहले, कोई दिक्कत। और अगर आप चाहो कि भाई इधर ले जाके इधर माइनस कर दोगे, जब प्लस कर दोगे तो माइनस से माइनस करके फिर प्लस आ जाएगा। यानी एक सारा नियम याद रख लीजिए कि अगर दो पद बराबर हैं तो पूरे के पूरे को, यानी कि थोड़ा थोड़ा पूरा, इसका पूरा एलएचएस इसके पूरा आरएचएस से आप बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हो, इधर वाले को इधर ले दो, इधर वाले को इधर, बात समझ में आ रही है। अब पांच को इधर ले आओ, अब ऐसा करो इसको ऐसे लिख लो, दो एक्स प्लस जीरो, अब इसकी तुलना कर लो, कर लोगे सारे सवाल, ए बराबर कितना आ गया, दो। चलिए अगली प्रश्नावली पे आइए, बाकी सवाल आप इसके पूछ करेंगे। चार पॉइंट दो पे जाने से पहले कल हमने ये बताया था कि अगर हम y का मान x के पदों में लिखें या x का मान, तो इसे स्वतंत्र चर कहते हैं, इसे पद, ये x y का मान x के पदों में, ये x का मान y के पदों में, तो जो स्वतंत्र होता है उसका मान अपने आप मान लेते हैं। यहाँ y का मान मानोगे कुछ भी तो कोई ना कोई x का मान निकल कर आएगा, y के अनंत मान मानोगे तो x के भी अनंत मान आएंगे, ठीक है। लेकिन एक विशेष y के लिए x का विशेष मान होगा, जैसे y का मान जीरो रखोगे अगर इसमें, अगर यहाँ y बराबर कितना रखोगे जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा जीरो प्लस दो के साथ, यानी y बराबर जीरो तो x बराबर दो, और बिंदु किस रूप में होता है, x कॉमा y के रूप में, पहले x लिखते हैं और फिर y, तो जो हमने ये निकाला है हल दो कॉमा जीरो, यानी हल को हम बिंदु रूप में लिख सकते हैं और बिंदु को हम हल के रूप में लिख सकते हैं, यानी किसी भी दो चर में रैखिक समीकरण का जो हल आता है वो, पहली बात तो x और y के मान आते हैं,
एक विशेष x के लिए विशेष y होता है या विशेष y के लिए विशेष उन x और y के मान को जो समीकरण के हल होते हैं, क्योंकि उन्हें अगर हम LHS में रख देंगे तो RHS के बराबर आना चाहिए। x का मान 2 रखो, y का मान 0 रखो, तो 0 प्लस 2 2 बराबर 2 आ रहा है। इसका मतलब जो हल है किसी भी दो चर में रैखिक समीकरण के, वो बिंदु के रूप में अगर हम लिखें और एक से अधिक हल निकालें, तो एक ही हल निकाला है, हल तो इसके जितने y के मान लेते जाएंगे हम उतने x के मान आते जाएंगे। तो अगर हम इसके दो या तीन बिंदु निकालेंगे और हमने उनको जोड़ा, तो हमने एक नियम पाया कि किसी एक दो चर में रैखिक समीकरण के जितने हल होते हैं वो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। यानी एक जो आपके दो चर में रैखिक समीकरण है वो निर्देशांक ज्यामिति में जब हम पहुंचेंगे तो हम उसे रेखा के रूप में देखें, ठीक है। और एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अगर हम केवल दो हल से दो बिंदु निकले और दोनों बिंदुओं को जोड़ा तो उस रेखा पर अनंत बिंदु होंगे, वो सारे के सारे उस समीकरण के। ये अलग बात है कि हमने दो हलों से केवल रेखा खींच दी, और खास बात क्या है, वो रेखा उस समीकरण की रेखा होगी और वो रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे उस समीकरण के, उस रेखा से अलग जितने भी बिंदु हैं वो उस समीकरण के हल नहीं। कितनी बड़ी बात निकल गया। अब पहले सवाल देखो, 4.2 का निम्नलिखित विकल्प में कौन सत्य है और क्यों? y बराबर 3x प्लस 5 इसका एक अद्वितीय हल है, सत्य है या असत्य? अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, केवल दो हल और अपरिहार्य रूप से अनेक हल। क्यों क्यों इसने पूछा? क्यों का जवाब देते हैं, y बराबर कितना है, स्वतंत्र चर कौन है, परतंत्र कौन है, स्वतंत्र को कहते हैं इंडिपेंडेंट, इसे कहते हैं डिपेंडेंट। स्वतंत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लिखा क्या हमने, y का मान x के पदों में यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा, 3 गुना 0 प्लस 5 कितना आया, 5। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 3 गुना 1 प्लस 5 कितना आया, 8। यदि x बराबर 2 तो y का मान आपने दो रख दिया, 3 गुना 2 प्लस 5 6 5 11। इसी प्रकार x के मान लेने पर y के मान आते हैं, और हम x के कितने मान ले सकते हैं, हम x के अनंत मान ले सकते, जिसके संगत y के कितने मान आएंगे, अनंत मान आएंगे। अतः कितने हल होंगे, अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जल्दी जल्दी दिया मैंने जो काम में समझा, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल, समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। आपको समीकरण दी है और आपसे कितने हल पूछे उसने, चार। तो पहला समीकरण लिखो, चलो दूसरा करा लेते हैं। तो सबसे पहला काम है या तो x का मान y के पदों में लिखेंगे या y का मान x के पदों में, काम वो करेंगे जो आसान होगा। अब यहाँ देख के बताओ, x का मान y के पदों में लिखना आसान है या y का मान x के पदों में, भाई x यहाँ प्लस का है
ये पूरा एक पद है, और पद जब इधर से उधर जाता है बाएं दाएं पक्ष में तो उसका निशान बदल जाता है। अब आपको यहाँ क्यों नहीं बदला, यहाँ इसलिए नहीं बदला क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे पद को ही हमने एक तरफ वाले को दूसरी तरफ रख दिया था। यहाँ पर एक्स वाई को नहीं रोक रहे, केवल ये जा रहा है, तो ये जब जाएगा तो इसका निशान प्लस से कैसा हो जाएगा। अब एक्स कैसा चर हो गया, स्वतंत्र चर, और वाई कैसा हो गया, तो हमारा काम यही रहेगा, जैसे दो चरों में रहकर समीकरण मिलेगी हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल देंगे, और जिसके पदों में निकाला उसका मान मानना शुरू कर देंगे। जैसे किसके पदों में निकाला है, x के पदों में, क्योंकि x कैसा है, स्वतंत्र चर है, और हमने करा क्या है, y का मान x के पदों में लिखने पर x कैसा चर है, x के मान लेंगे, x बराबर क्या लेंगे, जीरो, दूसरा x बराबर a, तीसरा x बराबर का चार, और भी ले सकते हैं, तीन तक ही क्यों नहीं है, क्योंकि हमें केवल चार ही हल निकालने हैं, पांचवा हल हमें नहीं निकालना। ये बच्चा आप लग जाओ नीचे जो दो नीचे सर करके दर्द खत्म हो जा रहा है, नहीं हो रहा तो सामने देखो, और नीचे करके अगर तुम्हें आराम मिल रहा है तो नीचे देखो, ठीक है बेटा, कैसा तुम्हें सही है। तो यदि हम एक्स बराबर जीरो ले रहे तो x बराबर जीरो के संगत बने क्या कर, हर x के मान के लिए y का एक विशेष मान होगा, ऐसा नहीं होगा x का एक मान लिया तो y का पांचवा मान निकल आए। देखो अगर x बराबर जीरो लिया तो x हमने y का क्या मान रखा था, नाइन माइनस फाइव माइनस जीरो कितना आएगा, और यदि x बराबर एक लिया फाइव माइनस एक कितना आएगा, यहाँ पर लिया तो 9-2y, ठीक है, और यहाँ लिया तो 9-3y, ठीक। तो समीकरण के हल क्या है, अर्थात दो चरों पर रैखिक समीकरण जो थी उसके हल आए जीरो x, y बिंदु के रूप में लिखे, ठीक है, क्या क्या आएंगे बताओ, 9-2y, मिलाएंगे एक रेखा जाएगी, वो अलग बात, ठीक है, वो हमने कहा नहीं है करने के लिए। आगे देखिए तीसरा सवाल, बाकी पार्ट खुद करो, निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। जो भी समीकरण का हल होता है और हल किस रूप में होता है, x और y के रूप में, या तो x बराबर और y बराबर दे रखा होगा, या हल का बिंदु रूप दे रखा होगा, जैसे हमने लिया x बराबर जीरो था, y बराबर नौ था, तो हमने बिंदु के रूप में लिखा, ब्रैकेट लगाया, पहले x लिखा फिर कॉमा लगाया और फिर y, तो उसने इस प्रश्न में तो तीसरा सवाल है, तो रिवीजन है, वीडियो देखते हुए कर जाएगा। तीसरा सवाल है x माइनस 2y बराबर 4, और उसने कहा है कि ये जो हमारे पास है 0, 2, ये बताओ इसका हल है, चार पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों में तो चेक करना है कौन इसका हल है कौन इसका हल नहीं है, क्योंकि ये बिंदु का रूप है, इसलिए x का मान कितना हुआ यहाँ पर, y का मान कितना हुआ, इसको हम समीकरण में रख के देखेंगे, समीकरण में रखने पर तो रखा तो 0-2×2=4, x की जगह 0, y की जगह 2, कितना आ गया, -4=4,
ये कैसा है? असत्य। असत्य है या नहीं? अगर ये स्थिति आती है कि हमें कोई हल दिया है x और y के मान या बिंदु दिया है, वहां से हमने x और y लिए और उठाकर समीकरण में रख दिए जहां x और y लिए और हमारा LHS RHS के बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे अतः 0.2 क्या नाम है इसका बिंदु 0.2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 को क्या नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता है। इस स्थिति को हम ये कहते हैं कि संतुष्ट नहीं है। और अगर LHS RHS के बराबर आ जाता तो ये इसको संतुष्ट करता है। और संतुष्ट के लिए अंग्रेजी का एक शब्द है सेटिस्फाइड। द पॉइंट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, अंग्रेजी में लिखते हैं इसको द पॉइंट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, देन इट इज द सॉल्यूशन। हमको कहते हैं सॉल्यूशन। हिंदी में हम बात करें तो बिंदु 0.2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए समीकरण का हल नहीं है। 0.2 समीकरण का हल नहीं, और अगर संतुष्ट करता तो हल होता है ना। तो आप इसके बाकी के पार्ट भी करेंगे और जांचेंगे कौन इसका हल है कौन इसका हल नहीं। अगला सवाल चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं के का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण क्या है समीकरण, फिर के नंबर जब उसने बता दिया कि ये x बराबर 1 और x बराबर 2 किसका हल है समीकरण का, इसका मतलब हल है, इसलिए x और y के मान जब हम यहाँ रखेंगे तो अपने आप ही LHS किसके बराबर आएगा, RHS के। और कौन फंसा हुआ है RHS में, k का मान निकला। अतः हम क्या करते हैं, अतः हम यहाँ पर x की जगह x का मान और y का मान लेंगे पूरे आपके मोबाइल की बैटरी वो मेमोरी वो वेरिएबल है और जो फोटो डाल रहे हो वो अचर है, मेमोरी चर है और फोटो अचर है। फोटो को मेमोरी में डालोगे या फोटो में मेमोरी डालो, मेमोरी में फोटो डालोगे क्योंकि मेमोरी चर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 बराबर के चर में डाल रहे हैं हम, अचर में डाल रहे हैं चर, और यहाँ क्या हो रहा है चर में डाल रहे हैं, यानी चर अचर का मान है चर के बराबर या चर का मान है अचर के बराबर, क्या चीज ज्यादा सही है, चर का मान अचर का। इसलिए हम वेरिएबल को लेफ्ट में लिखते हैं और वैल्यू को राइट में लिखते हैं। इसलिए मैथ वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस दी जाती है और जिनका मैथ नहीं होता उनको कंप्यूटर साइंस नहीं दी जाती, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते नहीं है। यही चीज़ें आगे जाके जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो वेरिएबल आपका बन जाएगा मेमोरी और जो वैल्यू है वो बन जाएगा डेटा, और आप डेटा एनालिसिस करने लगेंगे, डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। और ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप कंप्यूटर की फील्ड में कुछ नहीं कर पाए। चलिए आगे,